एक बार आप सभी को नमस्कार। आज का जो सेशन है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर आधारित है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बहुत तरीके से होते हैं, जिसमें मैंने आपके जो सिलेबस है, जो आपके बताना है, उसमें दो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हैं, उसको हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अभी करेंगे और एक दूसरा एक्सेस लिस्ट कंट्रोल लिस्ट है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी इसके लिए मैं बिल्कुल आपको फ्रेश बनवाने जा रहा हूँ, पूरा प्रॉपर नेटवर्क, प्रॉपर शुरू से, जिसमें आपको पिछले सारे नेटवर्क जो अब तक किया वो भी रिवीजन हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा और सेशन को मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, इस सेशन को उसको दोबारा शेयर कर दूँगा। यदि किसी को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और होपफुली कि आप नेटवर्क के मामले में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे, नेटवर्क कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैकेट ट्रेसर फिर से फ्रेश ओपन करते हैं। ये जॉब एड मैंने आप सभी को शेयर किया है, इसी जॉब एड को मैं बनाने वाला हूँ। इसमें मैं 3 राउटर लिया हुआ है और अलग अलग लोकेशन। तो पहले मैं इस नेटवर्क को पूरा बनाऊंगा, उसके बाद मैं 2 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो आपके कोर्स में मैंने, एक स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, दूसरा एक्सटेंडेड है, इन दोनों का मतलब समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ, और एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर आप ओपन कर लीजिए बिल्कुल, ओके। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज, आपके ही फोल्डर में सेव कर देता हूँ। ये हमारा जो हो जाएगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL, ठीक है। इसी में दोनों ACL बताएंगे, इसलिए आज प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग इसको बनाइए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिसपे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को समझने की कोशिश करूंगा। एक्सेस को कंट्रोल लिस्ट को समझने के लिए पहले मुझे एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जिसमें किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन ना हो। इससे आपको 2 फायदे मिलने वाले हैं। एक तो पहली बात कि डे 1 से लेकर अब तक हम लोगों ने जो जो भी कुछ किया उसकी थोड़ी बहुत एक रोड मैप आपको मिल जाएगा, एक फॉलो अप मिल जाएगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 3 राउटर्स लेते हैं, सब एक जैसा ही ले लीजिए। 2811 का राउटर लेता हूँ, 1 राउटर्स, 2 राउटर्स और 3 राउटर्स मैं आपके सामने ले लेता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, वीडियो आपके सामने रहेगा, आप इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिकल करके देखिए। साथ मेरे साथ कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो मेरी स्पीड को पकड़ पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ से स्विच लूँगा, स्विच ले लेते हैं। हर एक राउटर के नेटवर्क के अंदर एक स्विच की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर का मैं स्विच उठा रहा हूँ, सारे स्विच ले लेते हैं, ठीक है। हर एक नेटवर्क में कम से कम 2 कंप्यूटर्स ले लेते हैं, 2 कंप्यूटर्स मैं ले लेता हूँ, यहाँ से उठाते हैं, लगाते चले जाते हैं। ये मैं आपके जॉब एड को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इन सभी को आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो पहले मैं केबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रेट केबल उठाता हूँ और सबका मैं 01 ले रहा हूँ, आप लोग भी 01 ले लीजिए और स्विच के 01 से कनेक्ट कर दीजिए। कोई डाउट हो डेफिनेटली बीच में मुझे रोकें और पूछें, 01 कनेक्ट कर, सारे में मैं 0101 कनेक्ट कर लेता हूँ, दैट ओके। और सभी कंप्यूटर्स को भी आपस में जोड़ देते हैं केबल्स लिए। फास्ट इथरनेट पोर्ट जाएगा, स्विच के 02 पे जोड़ दीजिए, फिर लीजिए स्विच के किसी भी पोर्ट में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने लिया, लगा दिया, ये सब स्ट्रेट केबल जाएंगे। मैं यहाँ पे सारे केबल्स लेता हूँ और आपके सामने फटाफट मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। ये कनेक्टिविटी मैंने आपके सामने लगा दी, राइट। अभी तक क्या था कि ये जो राउटर्स थे, इस हर एक राउटर्स के अंदर 2 पोर्ट होते थे, तो इसमें तो 3 पोर्ट है नहीं। अब जैसे बीच वाला राउटर है, मुझे इसको 3 पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से पोर्ट की जरूरत, एक तो आपने लगा ही दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक पोर्ट मुझे यहाँ चाहिए होगा इंटरनेट के लिए और एक पोर्ट मुझे यहाँ चाहिए होगा। अब हमारे पास जो पोर्ट बचे हैं, अगर आप माउस ले जाके देखेंगे तो हमारे पास जो पोर्ट है केवल आपके पास में 2 पोर्ट है, यानी कि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण तौर के लिए आप ले सकते हैं कि जब आपको अपने घर का जो कंप्यूटर्स है, अगर उसमें कोई पोर्ट या किसी चीज़ की कमी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा पोर्ट खरीद के हम कंप्यूटर्स के अंदर लगा सकते हैं। उसी तरह से हमारा ये जो राउटर्स है, मुझे अगर एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना, तो आप मार्केट से खरीद के लगा सकते हैं, ठीक है ना।
तो अभी क्या करेंगे, एक चीज़ और चीज़ ये देखेंगे कि अभी हमें मार्केट से खरीद कर मुझे एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कोई एडिशनल चीज़ लगाते हैं तो हमारा कोशिश क्या होती है, हम सबकी कोशिश ये होती है कि जो मार्केट से खरीदें एक तो कम पैसे में मिल जाए, दूसरा उससे बेहतर सेवा दे दे, ये हमारी सोच होती है। एक तो हम इसके साथ जो पोर्ट आए वो तो कंपनी ने दे दिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई पोर्ट नहीं है, आप अपने तरीके से मार्केट से खरीद के लगाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी सोच होगी वह इस तरह से होगी कि कम पैसे में अच्छी सेवाएं ले ली जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ में रखते हुए मैं फिर यहाँ पे फास्ट इथरनेट नहीं लगाऊंगा। फास्ट इथरनेट से ड्रॉबैक ये होता है, एक तो स्पीड के मामले में मैक्सिमम जो फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है उसमें 100 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं दे सकते, ज़माना बदल रहा है, 300 Mbps, 1000 Mbps, इवन आपके Gbps में स्पीड भी मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। तो डेफिनेटली हम कोई चीज़ खर्चा करेंगे तो हम ऐसा चाहेंगे हाई स्पीड का कोई पोर्ट लगे, और बार बार इस तरह से व्यवस्था हो कि उसका कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, बल्कि उसका और एडवांटेज ले पाए। तो इस संदर्भ में ध्यान रखते हुए आप हम सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आप फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करने वाली बात होती है। ठीक है, तो हमें सीरियल पोर्ट लगाना है, तो सबसे पहले मैं और हमेशा कम्युनिकेशन में, चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका नॉर्मल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पुराना वाला हो या नया वाला हो या आने वाले ज़माने में भी हो, तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए, बीच में हम चाहे कितना भी परिवर्तन कर दें, सेंडर और रिसीवर का पोर्ट हमेशा एक होता है। अगर मैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट शुरू करूँगा तो यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट होगा, अगर मैं यहाँ सीरियल शुरू करूँगा बीच यहाँ पे भी सीरियल, बीच में हम चाहे कितना भी परिवर्तन कर लें वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग ऑलवेज विल बी सिमिलर। हमेशा याद रखिए शुरुआत और अंत हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो मैं यहाँ सीरियल पोर्ट ले रहा हूँ, तो हर एक में सीरियल पोर्ट मुझे लगाने पड़ेंगे ताकि स्टार्टिंग हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पोर्ट को क्लिक करता हूँ, सबसे पहले राउटर को, ये राउटर का बैक हिस्सा है, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें ये दो पोर्ट हैं, ये फास्ट इथरनेट और एक कंसोल ऑक्सिलरी पोर्ट। ये जो है खाली जगह, यहाँ पे हम पोर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे जो पावर बटन है मैं इसको पहले बंद करूँगा, और यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं अवेलेबल, न्यू मॉड्यूल, न्यू NM का मतलब होता है न्यू मॉड्यूल। ठीक है, नया मॉड्यूल क्या क्या लगा सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। और ये चीज़ तो मैं इस तरह से आपको ये नहीं कहूँगा कि याद करो ये लिखो, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं समय के साथ समझ में आ जाता है। तो इसी में हम सीरियल पोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे वाले में 4 सीरियल पोर्ट लिखा है, ठीक है, तो यहाँ 4 सीरियल पोर्ट एडिशनल मार्केट में, हो सकता है कि मार्केट में हम लोग जो खरीदे तो एक ही पोर्ट, क्योंकि यहाँ तो सिम्युलेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत में अगर आपको घर में लगाना होगा, एक मॉडम भी खरीदना होगा, तो सबसे पहले सोचो कि कम से कम पैसे में अच्छा मिले, ये सच्चाई यही है, इसको सबको एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे 4 पोर्ट का भी है और 8 पोर्ट का भी है, और सिंगल पोर्ट का होता तो भी मैं ले लेता, क्योंकि मुझे तो एक ही पोर्ट की जरूरत थी फिलहाल, तो मैं अभी कुछ नहीं है, तो मेरे पास 4 पोर्ट, इसको मैंने क्लिक किया, पावर सप्लाई बंद किया, और ये जो केबल इसको पकड़ के इस खाली जगह में लगाएं और इसका पावर सप्लाई ऑन कर दें। ठीक है, तो मैं इसको बंद करूंगा, जब मैं यहाँ पे माउस ले जाऊंगा तो अब देखना हमारे पास 2 फास्ट इथरनेट तो पहले से ही थे, अब हमारे पास में 4 सीरियल पोर्ट भी आ गए हैं। ठीक है ना, तो कितना लगाना आसान है। इसी तरह बीच वाले में भी यही काम करेंगे, इसको भी हम यही करते हैं, इसको भी हम जो आपका ये है, अब पावर सप्लाई बंद करते हैं, 4 पोर्ट का यहाँ सीरियल ले लेते हैं और इसको उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो लास्ट वाला है इसको भी क्लिक करते हैं, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, पावर सप्लाई हम इसको पहले बंद करें, सीरियल पोर्ट पे जाएं, 4 पोर्ट पकड़ के उठाएं, उन खाली जगह लगाएं, पावर सप्लाई ज़रूर ऑन करें, ये हमें करना। अब हमारे हर एक उसमें राउटर्स के अंदर हमारे पास अब 4, 2 तो पहले से थे, 4 पोर्ट और आ गए, 1, 2, ठीक है ना, 4 पोर्ट हमारे पास में और आ गए। अब चूंकि फास्ट इथरनेट पोर्ट था तो वहाँ पे हम लैन केबल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका कनेक्टर लैन कनेक्टर जैसा हो। अब चूंकि हमने सीरियल पोर्ट, केबल तो वही होता है, सिर्फ कनेक्टर का डिफरेंस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे सीरियल पोर्ट केबल देखने की कोशिश करता हूँ, ये केबल्स में क्लिक किया और यहाँ पे मूव करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई मिलेगी हमें, आप जैसे मूव करेंगे आप देखना यहाँ पे आ गया सीरियल DC और सीरियल DT, ये दोनों केबल एक ही है। अगेन आई रिपीट, सीरियल DC एंड सीरियल DT बोथ केबल आर द सिमिलर, एक पे टाइमर बना हुआ है, एक पे टाइमर नहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब भी हम आपको समझा देते हैं सिंपल भाषा में, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है, जब आप यूज नहीं करते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर में अपने आप वो स्लीप मोड में चला जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि राउटर बहुत ज़्यादा अगर पावर सप्लाई ऑन करके छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम्पशन करता है। ठीक है,
तो ऐसा कई बार समय होता है कि जब कोई ट्रैफिक नहीं होता तो उस समय राउटर स्लीप मोड में चला जाए, जस्ट लाइक आपके मोबाइल फ़ोन के टैबलेट पे या जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है वो जब यूज नहीं करते तो उसमें चला जाता है पूरा का पूरा, राइट ना। तो वही चीज़ हमें आपको देखनी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइमर वाला यूज करेंगे, टाइमर वाले में ऑटोमेटिकली वो चला जाए, ये करेंगे तो टाइमर नहीं जाएगा। तो इसको यूज करिए, यहाँ क्लिक करिए, मैं यहाँ पे सीरियल 1/0 लगा रहा हूँ ना, तो दूसरे साइड के भी सीरियल 1/0 पे लगा दूंगा, जो हमारी इंजीनियरिंग की परिपाटी है, जो रूल है कि जैसा हम इधर रखें वैसा, अगर उधर नहीं है तो बाकी 3 सीरियल और हैं, आप उसमें कहीं भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से मैंने केबल लिया, अब मैं इस वाले पोर्ट पे मैं 1/1 लगा रहा हूँ, इधर मैं 1/1 पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास में 5 लाइन हो गए। अब देखा जाएगा लाइन में, अगर मैं सवाल पूछूँ हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन, तो दिस इज द लाइन नंबर 1, दिस इज द लाइन नंबर 2, एंड दिस इज द लाइन नंबर 3, एंड दिस इज द लाइन नंबर 4, एंड दिस इज द लाइन नंबर 5। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे लगता है आप सभी को इसमें कन्फ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, और ये भी एक लाइन हो गया, ये भी एक लाइन हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से 5 लाइन हो गया, तो 5 नेटवर्क ID की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 5 नेटवर्क ID मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये पहले वाला जो नेटवर्क ID है इसको मैं ले लेता हूँ 192.168.1.0/24 लिख देते हैं। दिस इज द नेटवर्क 1, दिस इज द नेटवर्क 1, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा मैं आपके लिए लिख देता हूँ। जॉब एड मैंने आपको दिया है, मैं बिल्कुल सेम फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा जो बीच वाला नेटवर्क है इसको मैं 2.0 कर देता हूँ, ताकि डिफरेंस हो जाए। और जो हमारा ये जो तीसरा वाला जो नेटवर्क है इसको मैं इसको 2 कर देता हूँ, नेटवर्क इज द 2, ठीक है। और ये हमारा जो नेटवर्क है ये नेटवर्क 3 हो गया, और ये हमारा 3.0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारा ये जो नेटवर्क है इसको हम लोग 4.0 कर देते हैं, दिस इज द 4.0। और जो नेटवर्क ID है हमारा ये 4 नंबर कर देते हैं, ठीक है। और दिस इज अ नेटवर्क हमारा 5 नंबर। 5 नेटवर्क ID होंगे, क्योंकि 5 अलग अलग लाइन हो गए, तो 5 नेटवर्क ID हो गए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा इसमें जो IP आएगा, मैं एक का लिख देता हूँ, एक का जो IP आएगा बाकी में उसी तरह से 1 से लेके 254 तक जाएगा, राइट ना। सारे में इसमें भी 2.1 से लेके, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एक लिख देते हैं प्रॉपर, ये 192.168.1.1 से लेके 254 तक जाएगा। इसी तरह यहाँ 2.1 से लेके 254 तक जाएगा, ठीक है। अब इसी संदर्भ में जो राउटर का पोर्ट, अभी क्या माउस ले जाएंगे तो आप देखेंगे किसी पे कोई IP सेट नहीं है। तो पहला काम हम लोग क्या किया था, IP, जब तक IP यानी नेटवर्क अगर डिजाइनिंग में बैठे हैं, साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले IP अलॉटमेंट करेंगे, क्लिक करिए इस राउटर पे, गो टू द CLI, आपको बिल्कुल ध्यान होगा कैसे करते हैं, नो करेंगे, इनेबल करेंगे, कौन टी करेंगे, और ये जो पोर्ट है हमारा 0/1 INT या फिर 0/1 कर देते हैं। और इसका जो IP ऐड है हम वो कर देते हैं 192.168.1.1, सबनेट /24 है तो 254.0। पावर सप्लाई जरूर ऑन करना पड़ेगा, देखना फिर अब ग्रीन भी हो जाएगा, ये ऑन कर दिया, दैट विल बी ऑरेंज देन बिकम ग्रीन, टू राइट कर दिया हमने, और इससे हम बाहर आ गए। देखिए आज अब मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी कई बार बहुत स्लो तरीके से चला था, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपको लानी पड़ेगी लगातार प्रैक्टिस में। हम पोर्ट पे गए, IP एड्रेस के पावर आप सप्लाई ऑन किया और सेविंग किया और बाहर आ गए। अब हमारा यहाँ पे पीरियल, अब यहाँ पे देखना, यहाँ जो पोर्ट है, अगेन रिपीट, ये जो इसी राउटर का जो दूसरा पोर्ट है SE1/0 है। जिस दिन उस दिन अर्चिता कर रहे थे ना, जी यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको याद होगा मैंने पोर्ट राउटर चेंज करवाया था, तो वहाँ पे आप जी लिखोगे ना, G1/0, जी जो भी वो ID थी उस पे IP अलाट हो जाएगा, इनवैलिड फिर नहीं बताएगा, मैं राइट, समझ में आ गया मेरी बात अर्चिता। जिस दिन उस दिन यूज कर रहे थे ना राउटर वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जी डालना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा INT जो पोर्ट है INT SE1/0, तो मैं 1/0 पे आ गया यहाँ पे। और इसको जो IP एड्रेस करना है मुझे, इसको जो IP डालेंगे, दिस इज द 4.0 का वो है, तो मैं 4.1 कर देता हूँ इधर वाले पे, ठीक है, नो सेट कर देता हूँ और डू राइट कर देता हूँ, राइट। तो ये इस तरह से हमने IP अलॉटमेंट हो गया। ये आपका ये जो राउटर अगर आप यहाँ पे ले जाएं, तो यहाँ पे देखिए
ये दो आईपी अलाटमेंट हो गए, 4.1 और 1.1। कहाँ पे? 1.0 पर। उस पे तो आईपी अलाट करने का तरीका वही है, लेकिन जो पोर्ट पे केबल लगाए हो उस पोर्ट पे जाके उस तरह से मुझे आईपी अलाट करना है। अब जो राउटर जो हमारा बीच वाला, यहाँ तीन पोर्ट है, 0/1 है, SC 1/0 है, F 1/1। तो 1/0 वाला जो पोर्ट है इधर से कनेक्टेड है, यहाँ 4.1 आपने ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे आपने कर दिया 4.1, ठीक है। तो 4.1 यहाँ पे नहीं दे सकते दूसरे साइड में, दूसरे साइड आपको 4.2, 3, 4 जस्ट लाइक आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं थोड़ा ऊपर खींच के लगा देता हूँ। दिस इज 4.2, ये 4.1 है, दिस इज 4.2, ठीक है। और इधर का जो पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है आपका SC 1/2, ये 5.0, तो यहाँ पे दे दीजिए 5.1 कर दीजिए, ठीक है। और ये जो पोर्ट है यहाँ पे रखेंगे 5.2 रखेंगे, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये जो पोर्ट है इस पे हम डालेंगे 2.1 डालेंगे। तो क्लिक करके अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं, बीच वाले राउटर को CLI मोड पे जाते हैं। अब ये जो तीनों पोर्ट हैं देखेंगे, इनके हिसाब से CLI मोड पे गए। सबसे पहले मैं लिखूंगा नो इनेबल कॉन्टी INT या फिर पहले 0/1 पे जाएंगे, ये वाला जो पोर्ट है, और इस पे 2.1 डालना है, IP ऐड 192.168.2.1 सबनेट मास्क /24 है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट कर देंगे, जो काम करेंगे उसको सेविंग जरूर करना है, फिर हम उससे बाहर आ जाएंगे। देखिए काम बहुत आसान है, मैं बार बार पहले भी बताऊँ, अब फिर से देखिए। अब इस पे आ जाइए, ये हमारा 1/0 है, INT या C 1/0, इस पे हम एंटर करेंगे। और ये जो पोर्ट होगा इस पे हम जो IP एड्रेस अलर्ट करेंगे, इस पे आप ध्यान रखना ये 4.2 रखना आप लोगों को, दैट इज द 4.2, ओके। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट अदू राइट, जैसे मैं करूँगा इधर का ये दोनों ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा इधर वाला जो पोर्ट है इसमें देखिए, इस देखिए इसमें तीन पोर्ट है, तो मैं तीसरे पोर्ट पे जाऊँगा। तीसरा पोर्ट है INT या C 1/1, ये हमारा 1/1 पोर्ट है, इस पे हमने 5.1 रखा है। तो यहाँ पे जो IP अलॉटमेंट होगा हमारा 5.1 के हिसाब से करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट जरूर लिखिए, जो भी काम करिए सेविंग करिए, ठीक है। अब मैं अगर बीच वाले राउटर पर अगर माउस ले जाऊंगा, तब आप देख पाएंगे एज पर आवर प्लानिंग 0/1 पे 2.1 हो गया, 1/0 पे हमने 4.2 कर दिया, 1/1 पे 5.1 कर दिया, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे जबकि हमने यहाँ नो सेट किया फिर भी ये नो डाउन दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है कि मैंने टाइमर वाला वो केबल लिया था, बिना टाइमर होता तो ऑन दिखा देता वो, ठीक है। उसे पावर बचा के जब दूसरे साइड का ऑन हो जाएगा तभी वो चीज़ों को ऑन करेगा, राइट। फिर मैं इधर आता हूँ लास्ट वाले पे। अब लास्ट वाले पे क्या है हमारे पास में, ये 5.2 है, ये 3.1 है, तो CLI मोड में गए, सेम नो इनेबल कॉन्टी कर देते हैं, INT या फिर 0/1 IP ऐड करेंगे, इस पे 192.168.3.1 सबनेट मान 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सेट कर देते हैं, डू राइट कर देते हैं, राइट, ठीक है, और एग्जिट कर देते हैं। ये इतना काम तो कॉमन है। अब हमारा ये जो पोर्ट है SC 1/1 है, और इस पे जो हमने केबल पे जो IP देना है 5.2 का देना है, ठीक है ना। तो इस पे हम लिखेंगे पहले INT SC 1/1 चले जाते हैं, IP ऐड करेंगे 192.168, ये हमारा 5.2 है, स्पेस 255, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, नो सेट और डू राइट कर देते हैं, राइट। अब देखिए हमारा जितना भी राउटर था, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को IP अलॉटमेंट का वीडियो नंबर जो शुरू day 1 का जो था, day 2, 1 में दिखाया था हम लोग को किस तरह से IP अलॉट किया जाता है। बस ये ध्यान देना है कि जिस पोर्ट का है उसी पोर्ट की ID पे IP अलॉट करना है। अगर माउस ले जाएंगे, देखिए जो मैंने प्लानिंग किया था, IP आ गया, दोनों पोर्ट पे आ गए, 1/0 पे हमने 4.1 किया है, 0/1 पे हमने 1/1 किया है। सेम बीच वाले पे तीन पोर्ट थे, तो हमने तीन पोर्ट पे 0/1 पे 2.1, 4.2 और 5.1 लास्ट वाले पे कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज हमने बताई थी, हमारा ये जो कंप्यूटर्स हैं इनमें भी IP अलाट करना, क्योंकि मैंने DHCP यहाँ कोई बनाया नहीं है, DHCP का सेशन मैंने अलग कराया था कि ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे भी मैनुअली हम लोग IP अलाट कर देते हैं क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। तो क्लिक करते हैं PC 0 पे, डेस्कटॉप पे गए, मैनुअली IP अलाट करना, क्योंकि ये पहला नेटवर्क है, तो उसी नेटवर्क में से 192.168.1.2 से कर देते हैं, ठीक
ठीक है, और गेटवे हमारा 192.168.1.1, दिस इज द गेटवे, ठीक है, ये हमारा गेटवे हो गया, यहाँ यहाँ का ये भी गेटवे, इसके लिए भी दूसरे वाले जो कंप्यूटर है इसके लिए हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे 1.3 कर देते हैं और दिस इज गेटवे, ओके। तो हमारा ये जो दोनों कंप्यूटर हैं ये आपका ओके हो गया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पैकेट भेजेंगे यहाँ तक सेम नेटवर्क में तो ओके हो जाएगा, दोनों भेजेंगे यहाँ से दूसरे को तो ओके हो जाएगा। अब इसी तरह इन दोनों कंप्यूटर्स में इसमें क्या करना है, ये 2.0 सीरीज है, इसमें भी क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पे जो हम आईपी लगाएंगे वहाँ पे हम लग देंगे 2.1 वाला, 2. इस पर हम 2.2 से शुरू करेंगे, गेटवे 1 दे देते हैं, और जो तीसरा पीसी है PC3 डेस्कटॉप पे गए, अभी हम मैनुअली दे रहे हैं, 3 कर देते हैं और हमने एपिलाट कर दिया, राइट। अब हमारा जो लास्ट वाला दो कंप्यूटर्स हैं इस पे भी उसी तरह से आईपी अलॉट करना जैसे कि आप लोगों ने बाकी में किया। तो इसमें हमारा 3.0 का सीरीज है तो हम 3.0 के सीरीज में अप्लाई करेंगे, राइट। तो गो टू ईयर डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं 3.1 के सीरीज में, और जो आईपी शुरू होगा 3.2 से शुरू करते हैं, 1 इज द गेटवे, गेटवे जो राउटर का पोर्ट होता है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, हमारे वीडियोस को देख पाएंगे आप प्रॉपर। आज सिंपली मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे मैं बात कर पाऊंगा, ठीक है। अब हो गया, तो आईपी अलॉटमेंट का सेशन मैंने पहले किया, आज आपके सामने मैंने रिपीट कर दिया है। अब अगला जो सेशन है, अगर आप पैकेट भेजोगे तो यहाँ से यहाँ तक ओके हो जाएगा, यहाँ से पैकेट हम भेजेंगे यहाँ तक ओके हो जाएगा, ठीक है, और इस सेम नेटवर्क में ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लिक करते हुए सारे चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ पैकेट भेजें, अब अपने घर से बाहर दूसरी दुनिया में पैकेट भेजें, ये मेरा अपना घर अलग घर है, अब इससे मैं यहाँ भेजना चाहूँ, इससे मैं यहाँ भेजना चाहूँ, तो ये घर से बाहर की बात हो गई। तो घर से बाहर जाने के लिए एक सेशन मैंने और आपको कराया था, राउटिंग प्रोटोकॉल, जब तक प्रोटोकॉल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें मैं रीप वाला जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर वही इस्तेमाल होता है, और स्टैटिक वाला कहाँ यूज होता है इसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर सिक्योरिटी की फीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम लोग वहाँ पर करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग फिर इसको अब यहाँ पर राउटर पर क्लिक करेंगे और फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में, अब इसको एग्जिट करते हुए मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, ओके सॉरी, एग्जिट करते हुए कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मैं यहाँ पे राउटर पे मैं रिप कमांड यूज करूंगा, राउटर रिप याद आएगा आपको कैसे करते थे, वर्जन 2, और इसके दो नेटवर्क है 1.0 और 4.0, तो मैं लिखूंगा नेटवर्क, फिर से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप पिछला वही नहीं देखेंगे तब तक 0.1.0, दूसरा हमने 4.0 कर दिया, राइट, और दी राइट कर दिया, यानी इस राउटर को मैंने कहा हे राउटर तुम आज़ाद हुए अपने जैसे लोगों से दोस्ती करनी है, इन दोनों नेटवर्क को परमिट कर दिया, राइट। सेम हमारा जो बीच वाला है यहाँ पे 3 नेटवर्क है, इसको भी पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ, एग्जिट करके यहाँ पे भी लिखूंगा राउटर रिप। देखिए सर कमांड अभी आपके लिए नए हो सकते हैं लेकिन जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो अब आपसे ज़्यादा जानते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 10th पास स्टूडेंट है 11th पास स्टूडेंट है ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, जैसा कि आप एमएस वर्ड के लिए आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पहले से जानते थे। अब यहाँ पे 3 नेटवर्क है 2.0, ये 4.0 और 5.0, तो मैं तीनों नेटवर्क का लिखूंगा नेटवर्क 192.168.2.0, दूसरा मैं लिखूंगा 4.0 और तीसरा मैं लिखूंगा 5.0, और दिस इज द राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 नेटवर्क है, मैंने तीनों को परमिट कर दिया, राइट। आप चेक भी कर पाएंगे क्योंकि अभी इन दो नेटवर्क को परमिशन तो दे दी मैंने, तो यू कैन चेक नाउ, इसको डिलीट कर देते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से यहाँ तक सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अभी ये यहाँ से यहाँ तक अभी फेल होगा क्योंकि अभी तक हमने इसको, अगर हम यहाँ से यहाँ भेजें, यहाँ से लेके और यहाँ भेजेंगे तो हमारा भी फेल होगा क्योंकि अभी हमने इस राउटर को परमिट नहीं किया, तो इसको भी क्लिक करिए, इसको भी परमिट कीजिए, तीसरे वाले राउटर को एग्जिट करके राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क, यहाँ पे 3.0 है 196.3.0 और दूसरा नेटवर्क है 5.0, ये ऊपर वाला जो है 5.0, अपने घर से जो जुड़े हुए राउटर के पोर्ट है उन्हीं से लिया जाता है, इसे दो राइट, ठीक है।
अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी लग गया, अब आपका ये जो नेटवर्क है बिल्कुल रेडी है, आप कहीं से कहीं का भी पैकेट भेजेंगे सब चलता मिल जाएगा, आप यहाँ से यहाँ भी भेजेंगे मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भेजेंगे मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है, हमने पिछला जो किया था उसी के आधार पर मैंने नेटवर्क बनाया, इसको सेव कर लेते हैं और हम अब आते हैं आज के सेशन में, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। एक मैंने आपको PPT दिखाई थी राउटर्स वाली, चलिए डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में आ जाइए, एक PPT, ये देखिए, ये मैंने आपको PPT दिखाई थी। इसमें आपको ध्यान होगा कि हमने तीन तरह के राउटर्स बताए थे। एक राउटर हमने बताया था ये जो नेशनल लेवल का राउटर है, कोर राउटर, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कंपनी दूसरे कंपनी, ये BSNL या रिलायंस टाटा के पास और एक कॉलेज कैंपस के अंदर राउटर लगा। अभी तक आप जो लाइन बना रहे हो यहाँ तक बीच का बना रहे हो, ठीक है ना, इस पर हमने सारी बात कर ली, ठीक है। तो अगर मैं नेशनल लेवल पे अगर यहाँ ये राउटर का आप इंचार्ज हो तो यहाँ पे कोई हरकत करोगे तो सारी कंपनियों पर प्रभावित होगा। मेरी बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप कोर राउटर पे कोई काम करेंगे तो कोर राउटर क्या है कि पूरे BSNL रिलायंस टाटा सभी से जुड़ा हुआ है, तो सारे लोग प्रभावित होंगे। अगर केवल इस पे करोगे तो उस कंपनी के लोग प्रभावित होंगे, और अपने कॉलेज के राउटर पकड़ोगे तो कॉलेज का कैंपस केवल प्रभावित होगा, ठीक है। तो यही डिपेंड होता है कि गवर्नमेंट जब कहती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज़ को बैन कर दो, तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया में तो कौन बैन करेगा, कंपनी को भी बोल सकती है, या अगर कंपनी को भी ना बोलना पड़े सीधा वो जाके ऊपर बोल देती है भैया कोर राउटर पे जो लोग बैठे हैं पूरे इंडिया का ही नेट बंद कर दो, तो एक सेकंड लगता है नेट बंद करने में। तो मैं उसी पर अब डिस्कशन करने वाला हूँ। तीन राउटर हैं आपके पास में, आ जाइए दोबारा से पॉइंट पे आ जाइए, दैट्स। अब इसको समझने की कोशिश करिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान देगा अब समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा सिक्योरिटी का पूरा मैटर क्या है। देखिए मान लीजिए समझने के लिए कि ये जो बीच वाला ये कोर, ये सारे कोर राउटर है, कोर राउटर क्या नेशनल लेवल पे, ठीक है, दिस इज अ कोर राउटर। ये जो बीच वाला ये मान लीजिए इंडिया का राउटर है, इंडिया का कोर राउटर है जहाँ से बाहर, और ये मान लीजिए पाकिस्तान का है, और इधर मान लीजिए चाइना का है, ठीक है। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा तो कोर राउटर की जरूरत पड़ेगी, जो मेन राउटर होंगे बड़े जो राउटर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि आप में से कोई बैठा है, आप में से किसी को इंचार्ज बना देगा, भाई आप ये यहाँ से बाहर जा रहा है आप इंचार्ज बन जाओ। मान लो यहाँ पे अर्षिता को इंचार्ज बना दिया गया, ठीक है ना, अर्षिता इज इंचार्ज, ठीक है। अब अर्षिता का काम क्या है, मॉनिटरिंग करना, और मॉनिटरिंग के हिसाब से पॉलिसी बना के सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। अब उसने ये देखा कि भाई ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर केवल खुरापात कर रहे हैं, केवल हैकिंग का काम कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान को तो कह नहीं सकते भाई, उसको बोलेंगे तो साहब मना कर देगा, भाई हम नहीं मना कर सकते, ठीक है। और हम इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ITU एक संगठन है, बहुत बड़ी संगठन है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, जैसे WHO होता है, जैसे UN होता है, उसी तरह टेली कम्युनिकेशन की दुनिया में जो सबसे बड़ा संगठन होता है ITU होता है। तो ITU एक पॉलिसी बनाता है, एक रूल बनाता है, वो ये कहता है कि ठीक है दो देशों के बीच में झगड़ा हो गया मैंने मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब लाइनें ब्लॉक कर सकते हो, आप उनको अपने यहाँ अलाउ मत करो, पाबंदियाँ लगा दो, वो ठीक है, लेकिन इस लाइन को ब्लॉक बंद नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हो कि भाई बंदा यहाँ आपके कंट्री में ना घुसे, ये आपके हाथ में है, वो आपके दोनों देशों के रिलेशन के हाथ में, क्योंकि अगर हम ये लाइन ब्लॉक करेंगे तो पाकिस्तान से बाय इंडिया होते हुए अगर उसे चाइना जाना तो चाइना भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है, ये रूल रेगुलेशन है, आपस में देशों के बीच में संगठन बने हुए, एक दूसरे को पॉलिसी, एक सिंपल भाषा मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में फिर अर्षिता क्या करोगे कि अगर अब इसको तो कह नहीं सकते, तो अब इसमें क्या हो सकता है, तो कई तरह के एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पॉसिबल है, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ ऑलरेडी, अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। अब अभी आपको एक पहला स्टैंडर्ड ACL, सबसे पॉपुलर ACL यही माना जाता है, ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। दूसरा एक्सटेंडेड ACL, एक्सटेंडेड के बारे में कल बात करूँगा, आज मैं स्टैंडर्ड ACL के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ACL का मतलब क्या हो सकता है, इसमें ध्यान से सुनिए, स्टैंडर्ड ACL में क्या होता है, इसमें हो सकता है कि 1 IP, एक कंप्यूटर, ठीक है, एक IP हो सकता है, या एक ग्रुप ऑफ IP हो सकते हैं। IP को आप कंप्यूटर समझिए, इंसान समझिए, कितने सारे इंसान, ग्रुप ऑफ IP, ठीक है।
या होल नेटवर्क, ठीक है, ये हमारे पास ये भी हो सकता है, एक हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, या पूरा का पूरा नेटवर्क हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अब इस चीज को पहले तीन कैटेगरी होंगे। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अर्षिता बैठे, इन्होंने देखा, ये इनके लिए इनके इनके तीन ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि भाई यहाँ दो पीसी हैं, तो जो PC0 है ना, वो कि इंडिया में के अंदर आके केवल हैकिंग की बातें कर रहा है, मिसकम्युनिकेशन की बातें कर रहा है, उल्टी पुल्टी मैसेजें कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करेंगे अर्षिता, इसको नहीं ब्लॉक करना है, इसको ब्लॉक करना है, एक पीसी को, ठीक है, एक आईपी, एक कंप्यूटर का आईपी का मतलब कंप्लीट ब्लॉक है। जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये जो कंप्यूटर PC0 है, वो PC2 यानी इंडिया के अंदर के किसी भी कंप्यूटर में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ना तो टेलीफोन कर पाएगा, ना तो इंटरनेट कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा वो, ठीक है, एक के लिए। अब अर्षिता को लगा कि नहीं भाई, PC1 भी गड़बड़ कर रहा है, दो कंप्यूटर यहाँ पे मान लो 250 कंप्यूटर हैं और 250 में से 10 लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो 250 में 250 को तो ब्लॉक नहीं कर सकते, केवल 10 यानी एक ग्रुप ऑफ आईपी यानी कुछ लोगों का ग्रुप। और फिर अर्षिता को भी लगा रही यार ये तो पूरे का पूरे ही बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या करें, अब इसको तो कह नहीं सकते, तो वो उस केस में नेटवर्क कहलाएगा। तो क्या हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ आईपी हो सकता है, ठीक है, या पूरा का पूरा नेटवर्क हो जाता, तीन कैटेगरी पॉसिबल है, चाहे कुछ हो। अगर मैं इसको पूरी तरह से ब्लॉक करता हूँ, एक कंप्यूटर को ब्लॉक कर दूं, पूरी सेवा का ब्लॉक का मतलब है ना तो टेलीफोन कर पाएगा, ना इंटरनेट कर पाएगा, कुछ भी ना करे, ठीक है, तो अपने पीसी पे मैं नियम बनाऊंगा, अपने राउटर पे रूल बनाऊंगा, पहले सीधा रूल बनाएंगे और जैसे ही कहेंगे हमारे मोदी साहब मित्रों आज पाकिस्तान बंद, तो एक कमांड मारेंगे बंद हो जाए, नहीं कि जब बोलेंगी तब कहेंगी, जैसे अभी किसान आंदोलन है, थोड़ी देर में बंद हो जाता है, थोड़ी देर में चल जाता है, ठीक है, उसी तरह से। तो पहले पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी उनकी क्या होगी, उस पॉलिसी में एक पीसी के लिए भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीसी के लिए भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है, इसी चीज का मैंने जो आइडिया कैसे करना है मैं सारे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा आपको। तो सबसे पहले ये राउटर अपना ही है, तो मैं ये इंडिया का राउटर है बीच वाला, तो अपने घर के ही राउटर पे हम कर सकते, पाकिस्तान के राउटर पे कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इंडिया के राउटर पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, जब ये आ गया मैं पहले रियल नियम बनाऊंगा। अभी देखो कोई कोई वो नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पैकेट जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पैकेट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले मैं नियम बनाऊंगा। अभी PC0 को मैं क्या करने जा रहा हूँ, PC0 का IP क्या है, 1.2, मैं 1.2 को रोक लगा रहा हूँ अपने इंडिया के अंदर, ये मैं करने जा रहा हूँ जॉब एड में, ठीक है, इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ACL। तो मैं इसके लिए नियम बनाऊंगा, रूल रेगुलेशन बनाऊंगा। रूल रेगुलेशन कैसे बनाना है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक वो जो मैंने आपको खोल के दिखाया था, देखिए इसमें बहुत, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने आपको पैकेट, इसमें मुझे क्या करना है। और रूल रेगुलेशन के लिए एक चीज और देखिए, कि ये जो आपका जो स्टैंडर्ड ACL है, ISO ने कहा है कि आप अगर रूल बना रहे हो तो स्टैंडर्ड ACL में नाम नहीं लिख सकते, आप बनाओगे जैसे रूल नंबर 1, जैसे इंडिया में कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं ना धारा नंबर 420 दफा 305, इस तरह से धाराएं बनती है, तो ये पॉलिसी का रूल होता है। तो रूल जो है 1 से 99, अगर आप कहोगे इस रूल का नंबर आप लिखोगे ACL नंबर 1, ACL नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99 रूल तक आप बना सकते हो। तो रूल नंबर 99 एक से लेकर ये, अगर अगर आपने कहा कि भाई कल मैं यहां से चला जाऊं या सीता की जगह यहां पे इस कंप्यूटर पे कोई और आके बैठ जाए और उसने चेक किया कि मेरे कंप्यूटर में क्या ACL लगा, भाई ACL नंबर 10, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो जिसको भी लगाया गया उसका पूरा का पूरा नेटवर्क बंद किया गया, ठीक है। तो वह 1 से लेकर 99 लगाएंगे तो पर्टिकुलर ACL एक्सटेंडर ACL कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना एक्सेस, ये कमांड फायर करनी है आपके सामने, कमांड क्या फायर करनी है, एक्सेस लिस्ट 1 से लेकर 99 के बीच में कोई भी डिजिट लिख सकते हो, और आप इंजीनियर हो तो अपने रजिस्टर में नोट करके रखोगे, ये नहीं कि हम भूल जाएंगे, उसे नोट करके रखना है, जो इंचार्ज उसकी जिम्मेदारी होती है लिख कर रखता है वो, ठीक है, चाहे सॉफ्ट मैनर में रखे या हार्ड मैनर में रखे। और जिस कंप्यूटर को ब्लॉक करना है, जॉब एडमिन 1.3 को मैंने ब्लॉक किया है, आपको मैं 1.2 का दिखा रहा हूँ, तो 1.2 लिखेंगे, ठीक है, तो मैं आप करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, मैं कीबोर्ड का टैब कमांड यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, एक्सेस लिस्ट 1 से लेके 99 के बीच में मैंने 10 लिख दिया। अब किस कंप्यूटर को ब्लॉक करना है वो भी आप यहाँ पे आ जाइए, यह
मैं अपने कंप्यूटर राउटर पे इस वाले कंप्यूटर को ब्लॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 192.168.1.2 को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। और कंप्यूटर में एक चीज़ और आप समझिए, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है उसे जोड़ना सिर्फ घटाना नहीं आता, सिर्फ प्लस करने आता है। तो अगर आप कभी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रहे होंगे, जो इंजीनियरिंग के बच्चे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे वी नो कि कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर को घटाया जाता है कॉम्प्लीमेंट नंबर का यूज करके, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सबनेट की जगह पे हम लोग वाइल्ड मास यूज करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर उल्टा, क्योंकि हमें माइनस करना, डिना हम रोकने जा रहे हैं, एक्चुअली 10 में हम मनाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे वाइल्ड मास, उसको बोलते हैं वाइल्ड मास, सबनेट मास का तो मतलब हो गया वो। वाइल्ड मास निकालते कैसे हैं, 255.255.255.255 में से जो आपका सबनेट मास्क है, जिसका 255.255.0, इसको अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो जो आएगा 0.0.0.255, ये इसका वाइल्ड मास्क है, ठीक है ना, वाइल्ड मास्क, ठीक है, ठीक है। और एक मास होता है 0.0.0.0, सारे जीरो हो जाएं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वाइल्ड मास, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर वाला यूज करो, चाहो तो नीचे वाला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला यूज करोगे, एक दो कमांड आपको एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी, नीचे वाला यूज करो तो एक्स्ट्रा करता है, ये दोनों जगह। ये नीचे वाला बेसिकली क्या होता है, टास्क के पत्ते तो जानते ही आप, जब कोई कार्ड खो जाता है तो उसकी जगह पप्पलू कार्ड होता है, जोकर का कार्ड होता है, उसकी जगह जोकर यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको कमांड याद नहीं आ रहा तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप सिंपली ये कर, मैंने एक पीपीटी भी भेजी है आपको ग्रुप में समझने के लिए कि है क्या बेसिकली। तो अगर टेक्निकली बहुत आता तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे रब भाषा में समझ लो कि भैया ऐसा हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो मैं नीचे वाला यूज कर लेता हूँ, वरना ऊपर वाला निकाल के लगाना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैं वाइल्ड मास्क करूंगा 0.0.0 एक्सेल लिस्ट 10, ठीक है ना, 10 में इसमें मना कर देता, ठीक है। और जो आपका कमांड है इसमें देखना डिनाई भी होगा, एक डिनाई करना है, मना करना है, ठीक है ना। तो मना करने के लिए यहाँ पे माउस के ले आइए, पहले यहाँ पे एक्सेल लिस्ट 10 में डिनाई करना, इसको रोकना है, ठीक है, और एंटर मार दीजिए। आपने नियम बना रहे हो रूल नंबर 10 ACL 10, जिसमें आपने कहा 1.2 को रोक लगाना है, ठीक है। अब राउटर तो बहुत बड़ी चीज है, वो क्या करेगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं, जैसे डिनाई पढ़ा, इंसानों की तरह, जैसे आप में से कोई बहुत अच्छा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत अच्छा काम करता होगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम करता होगा, तो अगर उसे कहोगे बेटा ये काम नहीं करना तो कहेगा ठीक है मैं चार काम और नहीं करूँ, मुझे मना करने वाले ये कौन होते हैं। उसी तरह से राउटर है, बुरा मान जाता है। अगर आपने कहा कि डिनाई तो कहेगा आगे पढ़ेगा नहीं, मैं तो सारा ही मना कर दूंगा। तो अगर पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना तो सिर्फ इतनी कमांड करनी है, पूरा नेटवर्क ब्लॉक नहीं करना है तो आप यहाँ पे फिर एक लाइन और फायर करोगे, एक्सेस लिस्ट, हे राउटर तुम्हें क्या करना है भाई, 10 में से परमिट करना है, परमिट करना है अपने तरफ के सारे लोगों को, उधर जाए पाकिस्तान में जाए, और पाकिस्तान को जो मैंने ऊपर लिखा उसको छोड़ के, परमिट एनी, ये हमें करना है, डू राइट। मैंने नियम बनाया कि हे राउटर तुम्हें इसको मना करना है, अगर ये लाइन नहीं लिखते तो राउटर क्या करता, राउटर क्या करता है भैया, ये तो सारे ही मना कर देता, और यहाँ पे केवल आईपी लिख देता तो केवल उसी कंप्यूटर को अलाउ करता, पाकिस्तान का सिर्फ एक कंप्यूटर अलाउ करना, उसका आईपी लिख दो, एनी का मतलब इसको छोड़ के बाकी सब बचे सारे कंप्यूटर को अलाउ करना। तो अभी मैंने यहाँ पे जो नियम बनाया, अभी इसमें कोई नियम बनाया और मैं बीबीए को बिल्कुल चल रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे चल रहा है। अब इस नियम को मैं लगाऊंगा क्या, ये सब गेटवे है, यानी ये सब द्वारपाल है, सर्विसमैन है। अगर यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो भाई ये राउटर कहेगा भैया ये तो इधर भी नहीं, लेकिन चाइना नहीं रोकना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस पोर्ट पे आके 1 SC 10 पे खड़े हो गए और उसको लगा दिया जो आपने नियम बनाया, तो यहाँ पे समझो कि 8010 एक तरह का सर्विसमैन है, गेट कीपर है, वो कहेगा भैया आगे नहीं जा सकते, मना किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे लगाना है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो फिर क्या होगा, इधर वाला यहाँ रुकेगा नहीं, चला जाएगा, यानी कि मैं पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक रहा हूँ, इंडिया में रोक रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लगा के दिखाता हूँ, सबसे पहले इम्प्लीमेंट कैसे करो, क्लिक करो। अब मैं जाऊँगा पोर्ट नंबर INTFA 0/1 पे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी एक्सेस ग्रुप, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, 10 में जो कुछ है निकाल के बाहर फेंक दो, डू राइट। मैंने इस पोर्ट पे गया
और मैंने राउटर को, हे राउटर जो मैंने 10 बनाया ना उसमें जो कुछ है उठा के उसे बाहर फेंको। मैंने क्या बनाया उसमें, भैया 1.2 को कम्युनिकेट नहीं करना। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने इस कंप्यूटर को यहाँ मना कर दिया, अब यहाँ पे फेल होना शुरू हो गया, ये नहीं जा सकता क्योंकि इसको कहीं पे रोक लगा दी हमने, ठीक है ना, ये दिस द फेल। और इस राउटर को अगर मैंने यहाँ पे रोक नहीं लगाई चाइना में, तो चाइना में जाएगा, देखो जा रहा है। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे जो पड़ोसी है, पड़ोसी को परमिशन में है, पर पड़ोसी को हमने कई रोक नहीं लगाया इंडिया में, दे विल बी डेट विल बी, ये हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ठीक है ना। एनी कोई डाउट, एनी कोई क्वेश्चन? एक्सेस कंट्रोल, इस तरह से हम पूरे का पूरा कंट्री का रोक लगा सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया का रोक लगा सकते हैं। तो जब धारा 370 जब हटाई गई थी तो वहाँ पे हम लोग इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया था। और जैसे अगले पल में मोदी साहब ने कहा चालू करना है, हटाना है, इसी चीज़ को हटाना है, ठीक है ना। तो हटाने के लिए क्या करोगे आप, जो क्लिक करके सिंपली आप क्या करोगे, आप लिखोगे जो आपने लिखा था इसके आगे सिंपली इसमें नो वर्ड यूज कर देना है। अब इंटर मार दो, जब नो कर दोगे तो हट गया, ठीक है। फिर यहाँ से आप पैकेट भेजोगे चला जाएगा, देखो चला गया। फिर से पैकेट भेजा आपने, डिसीजन चला गया, ठीक है, दोनों चला गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से लगाना है लगा दो, पता नहीं चलता कि कब गवर्नमेंट कह दे लगा दो, कभी कर दो आउट कर दो, भैया बाहर फेंक दो। तो इसीलिए जो लोग इंचार्ज होते हैं वो पहले बैठ के ही नेटवर्क पे, देखिए फेल होना शुरू हो गया, तो पहले इन सारी पॉलिसी को जैसा जैसा गवर्नमेंट करती है बना के रखे रहते हैं और अपने आप को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो लोग इंचार्ज होते हैं इन चीज़ों बड़े अवेयर होते हैं और सोच समझ के करते हैं। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कल हम बात करेंगे वेबसाइट ब्लॉकिंग का। जैसा कि सुना है कि चाइनीज बहुत सारे वेबसाइट कैसे ब्लॉक कर दी गई थी, वो भी हम सुनेंगे। इसमें क्या है, सारा ब्लॉक हो गया, ना तो टेलीफोन कर पाएगा ना इंटरनेट, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन कल वाले में क्या है, कल वाले में एक्सटेंडेड में मैं आपको पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करने को बताऊंगा, जैसा कि चाइना में हुआ था, कि अभी इंडिया में सारे टिकटॉक बहुत सारे जो हैं 4951 वेबसाइटें ब्लॉक करी थी, वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो कल हम इस पर और डिस्कस करेंगे। यानी कोई डाउट है इस वीडियो को मैं दोबारा शेयर करूंगा, ठीक है। यस पवन, आस्क मी, अनम्यूट तो कर ही सकते, कोई प्रॉब्लम सर नहीं। नमस्कार हाँ बोल ले। सर, हमारा डाउट कल वाले आईपी फोन वाले में से है। आपका डाउट कल वाले के आईपी फोन में से है, तो पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, आप कल वाले का मैं खोल लेता हूँ, जी सर, ठीक है ना। आईपी फोन है, चलिए आपके स्क्रीन पे आईपी फोन आ गया, आप पूछिए। यस सर, हमने ये फाइनली करने के बाद जो माइक आए थे ना, जो फोन आए थे दो, इस पे क्लिक कर देते हैं, ये फोन आ गए। हाँ जी बोलो, सर, चलो ये हमने कंप्लीट किया वर्क, तो कॉल नहीं जा रही थी इनसे, जीवाई यानी पे किया वॉइस आपने, में जब आवाज जीवाई नहीं आ पे रही थी। करोगे, जब जीवाई जी पे करोगे तो यहाँ पे आपका आईपी टेलीफोनी नंबर आए कि नहीं आए, यस या नो? नहीं आए थे सर यहाँ पर। नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। आप क्या अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हाँ सर, मैं आपको हम परमिशन वीडियो से दूंगा। दिखा सकते हैं लैपटॉप पर को। लैपटॉप के पर इंटरनेट है आपका? तो जी हाँ है सर। मैं परमिट कर रहा हूँ, रुको पहले स्टॉप करूँगा, तब ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब आप शेयर करिए, रुको रुको, सर अब आप कर सकते हैं, आप करिए। सर, लैपटॉप से मैं कैसे करूं, मुझे एक बार बता दीजिएगा। आपका जूम, नहीं, आप ये बताओ जो मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो उसी लैपटॉप से कर रहे हो? जी नहीं, फोन से कर रहा हूं मैं, हाँ तो जूम ये ऐप गड़बड़ से हो गई ना, फोन से करें तो नहीं शेयर हो पाएगा, उसी लैपटॉप से नहीं। करते तो शेयर हो जाती होगी। सर क्या मैं फोन वीडियो से नहीं दिखा सकता, और वीडियो कैसे दिखाओगे बताओ, फोन फोन का वीडियो स्टार्ट करके, कैमरा, का वीडियो स्टार्ट करके कैसे दिखाओगे, मुझे ये तो पूछना चाह रहा हूँ। फोन पे अगर बाय कैमरा कैमरा, कैमरा थ्रू बैक एंड लगाओ फ्रंट। देखो दिख जाए, कितना दिख जाएगा, कहाँ दिखाओगे अपने आप में, ओके इसी कैमरा में सर, दिखाओगे, दिख जाता है तो। आपका कौन सा वाला है, अमन का नाम से ना? चलिए मैं प्री ब्रेक, सर आपको शो हो हाँ रहा थोड़ा वही ना, होगा। थोड़ा धुंधला आता है और कुछ नहीं है। हाँ सर, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। इसके आपके ये लैपटॉप पे इंटरनेट नहीं आ सकता? नहीं सर, इंटरनेट है फिलहाल, बट जूम कोई नहीं ऐप कोई फोन नहीं, पर। आपने, चलिए अब मुझे बताइए। मैं सर शुरू से आपको दिखा सकता हूँ कि ये है, टोटल ग्रीन हो चुका था इनमें, हालांकि जो भी वर्क था। मतलब फोन भी ग्रीन हो चुके हैं, जी हाँ सर, जैसे ये है, और ये राउटर इधर पे से राउटर पे क्लिक करिए, राउटर पे, राउटर राउटर पर। जी सर, पे राउटर पहुंच ये ले जाइए। अब इसमें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड फायर करिए, सो रनिंग
सर ये